हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, और ये खबर भी उनसे ही जुड़ी हुई है। अब उन्होंने एक और विवाद को जन्म दे दिया है, और ये विवाद है साईं बाबा से जुड़ा हुआ। उन्होंने एक विवादित बयान दिया। उनसे किसी ने पूछा कि क्या साईं बाबा की पूजा करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि साईं बाबा जो है वो संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, लेकिन देवता नहीं हो सकते, इसीलिए उनकी पूजा नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे हिंदू धर्म के शंकराचार्य ने साईं बाबा को देवता का स्थान नहीं दिया है, और शंकराचार्य की बात मानना सभी हिंदुओं का, सभी सनातनियों का धर्म है, ये उन्होंने कहा है। इसके बाद से तमाम जगह से जो है इस बयान को लेकर के प्रतिक्रियाएं सामने आई है, जहां पर साईं बाबा के मानने वालों का कहना है कि वो साईं बाबा को बहुत मानते हैं। अगर देश विदेश की बात करें तो साईं बाबा के बहुत से भक्त हैं, बहुत से अनुयायी हैं जो उनको मानते हैं। और वहीं अगर बात करें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, तो उन्होंने साफ कह दिया कि संत और फकीर तो साईं बाबा हो सकते हैं, लेकिन देवता नहीं हो सकते हैं, और ऐसे में उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान के बाद जो है एक नया बवाल शुरू हो गया है, लेकिन आपकी इस पर क्या कुछ राय है वो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जा करके, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो हमेशा हिंदू राष्ट्र का नारा जो है उसे बुलंद करते हैं, और आए दिन इस तरह के बयान देते हैं जिससे वो सुर्खियों में बने रहते हैं। तो आप अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।